Welcome to Jaipur Literature Festival's British Airways Baithak. Please ensure your mobile phones are placed on silent mode. Flash photography is strictly prohibited. Please keep the aisles free. It's for your own safety and security. We're delighted to introduce Jaipur Gharana. Please welcome Ashok Vajpeyi, Prerna Shrimali and Madhu Bhatt Telang in conversation with Yatindra Mishra. And we have the book launch of Vibhas, Bhaskar Bhasha series. Please welcome. अगर ये लाइट थोड़ी डिम हो सके, आंख पे बहुत लग रही है हमें। जी बिल्कुल ठीक है, ये बन गया। ये भी कर दीजिए। जयपुर घराना के सेशन में सबसे पहले श्री अशोक वाजपेयी जी, हिंदी के वरिष्ठ कवि, संस्कृति कर्मी, संगीत और कला आलोचक। डॉक्टर मधु भट्ट तेलंग जी, ध्रुपद की गायिका, अपने गुरु, अपने पिता डॉक्टर श्री लक्ष्मण भट्ट तेलंग जी से सीखा आपने। और प्रेरणा श्रीमाली जी, जयपुर घराने की कथक नृत्यांगना, इनके गुरु श्री कुंदन लाल जी गंगानी। इस में हम लोग एक ताली नहीं बजाई इनके लिए, घरानेबाजी है, घरानेबाजी है। और हम इसको शुरू करेंगे, इसमें एक छोटा सा एक प्रोग्राम और तत्कार की तरह जुड़ा हुआ है। मेरी ही पुस्तक आई है कविता संग्रह विभास, वाणी प्रकाशन से, जिसका अनुवाद देश की जानी मानी ट्रांसलेटर श्रीमती निरुपमा दत्त जी ने किया है। और वो अपने व्यस्त कार्यक्रम से चल के चंडीगढ़ से इस रिलीज़ के लिए आई हैं। निरुपमा जी जहाँ भी हों स्टेज पे आ जाएं और वो अशोक जी को वो दें। संग्रह यहाँ पर है तो अशोक जी उसका लोकार्पण करें। विभास संग्रह, जिसको उन्होंने द लास्ट वीव नाम से ट्रांसलेट किया है, सुश्री निरुपमा दत्त जी, और वाणी प्रकाशन की अदिति माहेश्वरी। आगे आ जाइए अशोक, ये लेके चलना पड़ेगा, धागा लेके चलना पड़ेगा। आ जाएगा, आ जाएगा, चलिए आ जाएगा, ठीक है। हाँ, ये लेके आना पड़ेगा। आइए प्लीज, आइए आइए प्लीज, आप आइए। क्या आप ट्रांसलेट करती रहती हैं? अदिति आ जाओ। लोकार्पण की अच्छी बात यह है कि लोकार्पण कर्ता को मशक्कत नहीं करनी पड़ रही। अच्छा, हिंदी भी आप लीजिए, एक आप लीजिए, आप ठीक है। आप कुछ बोलेंगी निरुपमा जी? मुझे अशोक जी अभी कह रहे थे क्या क्या ट्रांसलेट करती रहती है, तो तक कई रास्ते जाते हैं, बहुत से रास्ते। और मेरे लिए यतीन्द्र की कविताएं एक रास्ता रही हैं। और जिस तरह यतीन्द्र इन कविताओं में समकालीन इश्यूज, कंटेम्पररी इश्यूज और जो डीप इंटरनलाइजेशन है, वो मैंने बहुत ही इंजॉय किया। थैंक यू, थैंक यू। सो दोज ऑफ यू who can read only English, buy the book wherever it is available. And those of you who can read Hindi, but read. Thank you. Thank you, thank you. Just a note of thanks to Manish Pushkare ji for making this book look so beautiful. Thank you, thank you. Thank you, Nirupama ji. Thank you, Aditi. Thank you, Ashok ji. आपसे शुरू करें। हाँ, जयपुर घराना। जयपुर घराने की जब हम बात करते हैं तो एकाएक कई रास्ते खुलते हैं संगीत के। एक वो रास्ता है जो ख्याल की तरफ जाता है, एक रास्ता ध्रुपद की ओर जाता है और एक रास्ता नृत्य सेवा की ओर जाता है। आप सभी को पता होगा, आप बहुत सारे जयपुर के लोग यहाँ मौजूद होंगे। सिटी पैलेस में जयपुर राज दरबार का एक बहुत प्रचलित मंदिर है, गोविंद देव जी का मंदिर। और गोविंद देव जी के मंदिर में जो गोविंद देव जी और राधा रानी स्थापित हैं, वहाँ पे एक बड़ी परंपरा रही जयपुर के कथक घराने नृत्य की। मैं प्रेरणा जी से सबसे पहले ये निवेदन करूँगा कि वे गोविंद देव जी के मंदिर से शुरू करते हुए हमारे अपनी कथक यात्रा और ख़ासकर अपने गुरुओं के बारे में कुछ प्रकाश डालें कि कैसे अध्यात्म और नृत्य ने, भक्ति और प्रेम ने और सब कुछ को मिलाते हुए जयपुर का नृत्य घराना, कथक का नृत्य घराना बनाया। जहाँ तक जयपुर घराने की बात है, उसका संबंध मंदिरों से बहुत ज़्यादा रहा है। और कहा जाता है कि गुरु मोहन लाल जी, तीन भाई थे, गुरु मोहन लाल जी, चिरंजी लाल जी और जय लाल जी। तेज बोली, थोड़ा तेज बोली, आवाज़ नहीं आ रही। हाँ, ऐसे बोलना पड़ेगा फिर, माइक नहीं। अगर हैंड माइक भी दे सके तो बेहतर। हाँ, ठीक है। या ऐसा ये किंवदंती है कि दरअसल क्या होता है कि जितनी कथाएं हम सुनते हैं किसी भी शास्त्रीय कला के बारे में या किसी स्थापित कला के बारे में या पारंपरिक कलाओं के बारे में, तो वो इतिहास से होते होते किंवदंतियाँ बनती चली जाती हैं। ऐसा सुनते थे कि मोहनलाल जी जब तक दर्शन नहीं करते थे गोविंद देव जी का, तब तक कुछ मुंह में नहीं लेते थे, कोई अन्न या जल ग्रहण नहीं करते थे, और चाहे फिर वो कितना ही देर हो जाए। तो इस तरह की उनकी एक निष्ठा गोविंद देव जी के प्रति थी। पर उसके साथ साथ जिस तरह से उनकी शास्त्र, क्योंकि मोहनलाल जी जितने कथक के बोल जानते थे उतने वो संगीत को भी जानते थे। उनकी संगीत में रचित बहुत सारी ठुमरियाँ हमारे पास हैं जो कथक के जयपुर घराने की पारंपरिक शैली में मानी जाती हैं। जयपुर में जयपुर शैली का जो नृत्य हुआ, वो पहले जयपुर शैली नहीं ही कहा जाता था, क्योंकि हर शैली में ऐसा रहा कि वो व्यक्तिगत हो गया, किसी व्यक्ति से ही घराना चलने लग गया और हर व्यक्ति का अपना हस्ताक्षर होता था और उससे घराना चल जाता था। गुरु गौरी शंकर जी ने मुझे ये बताया था कि एक वक्त ऐसा आया जब राजाश्रय उनको मिला और उसके बिना उनका जितने कथक के गुरु थे उन लोगों का किसी तरह से भी दाल रोटी चलना भी मुश्किल था। तो जो एक रोटी कपड़ा मकान की बेसिक हमारी आधारभूत ज़रूरतें हैं, उसको देखते हुए सभी गुरुजनों ने तय किया और उन्होंने फिर उसे कहा कि जहाँ से हमें प्रश्रय मिल रहा है हम उस दरबार का नाम दे दें, और तब से वो जयपुर घराने के नाम से चल पड़ा और ये जयपुर घराना वहाँ से शुरू हो गया। इससे पहले घरानों की इस तरह बात नहीं थी, नृत्य होता था, एक सामाजिक क्रिया भी थी, और क्योंकि समाज मंदिरों से बहुत अधिक जुड़ा हुआ था उस समय में, जैसा मैंने सुना है और जैसा पढ़ा है उस हिसाब से, तो सामाजिक जितने कार्यकलाप होते थे वो मंदिर उसका एक अभिन्न हिस्सा भी था। इसीलिए जयपुर घराने का जो नृत्य है उसमें मंदिर की विशेष भूमिका है, और इसीलिए कहा जाता है कि उसमें भक्ति रस प्रमुख है, श्रृंगार रस थोड़ा पीछे हो गया है, जबकि मेरा ऐसा मानना नहीं है, क्योंकि भक्ति में भी श्रृंगार निहित है और श्रृंगार तो रसों का राज है। राजा है इसलिए उसमें सारे रस निहित हैं। तो वो खाली ऐसा नहीं है कि वो वीर रस प्रधान है और ये लास्य प्रधान है, दूसरा घराना लखनऊ घराना, या इसमें सिर्फ भक्ति है और उसमें सिर्फ श्रृंगार है, ऐसा नहीं है। पर वो मंदिरों में आज भी, हम आप जितने जयपुर निवासी हैं वो सब जानते हैं कि गोविंद देव जी में आज भी नृत्य होता है और आज भी होली के समय फाग खेले जाते हैं और लोक नृत्य भी होता है और शास्त्रीय भी होता है। और कथक जयपुर में इस तरह से कहा जाता है कि आप पैम्पलेट देखते हैं रोज़ अखबारों में जिसमें हो जाता है कि लोक नृत्य, जैज़ और पाश्चात्य संगीत और साथ में कथक, तो इस तरह का एक चलन जयपुर में बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। तो ये सारे गुरुजन जो यहाँ पे रहे, चिरंजी लाल जी, मोहन लाल जी, नारायण गुरु नारायण प्रसाद जी, जयपुर के राजघराने के, कहना चाहिए कि उनको वहाँ से तनख्वाह मिलती थी और हमें पता लगा कि 2 रुपया उनकी तनख्वाह थी। जब उन्हें राजदरबार में नौकरी मिली तो उन्हें 2 रुपया तनख्वाह मिलती थी और यहाँ से उन्होंने सिखाना शुरू किया। तारकेश्वर जी के मंदिर में भी उनके बेटे नाचते थे, वो खुद भी नृत्य करते थे। और उसके बाद जयलाल जी यहाँ से उठकर और रायगढ़ चले गए और वहाँ रायगढ़ में उन्होंने नृत्य सिखाया, जहाँ से गुरु कार्तिक राम और कल्याण जी निकले। तो ये थोड़ा सा एक ऐतिहासिक पक्ष। आपने भक्ति और श्रृंगार की बात की, मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाऊंगा। सन 50 से 51 में एक बड़ा डिबेट हुआ बाला सरस्वती और रुक्मणी देवी अरुंडेल में, क्योंकि रुक्मणी देवी अरुंडेल का ये कहना था कि नृत्य भक्ति के बगैर संभव नहीं है और बाला सरस्वती का ये मानना था कि भक्ति में जब तक श्रृंगार नहीं आएगा तब तक उस नृत्य का कोई महत्व नहीं है। और उस डिबेट के बाद से ही ये तय हुआ कि जो भरतनाट्यम वो लोग कर रहे थे या जो ओडिसी उस समय बाद में डेवलप हुई और जो महारियों का नृत्य बाद में लेजिटिमाइज हुआ, वो श्रृंगार भक्ति के तहत ही नाचा गाया जाएगा। तो क्या आप उसी परंपरा के उत्तराधिकार को, या उस जो 50 साल 60 साल पुरानी बात है, क्या उसी में ये बात जोड़ रही हैं कि कथक के जो भी घराने हैं, चाहे वो जयपुर का है और चाहे वो लखनऊ का है, उसमें भक्ति जो है वो श्रृंगार उन्मीलित भक्ति है? क्योंकि भक्ति प्रेम के बिना हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो प्रेम का चरम पहुँच जाता है। और ये कहा जाता है कि अंततः जब आप प्रेम में की सीमा आती है और चरम होता है तो फिर नृत्य होता है। तो इसलिए भक्ति और श्रृंगार तो मिला हुआ है। इसलिए मुझे लगता है कि कोई भी नृत्य प्रदर्शन या कोई नृत्य शैली किसी तरह पूरी नहीं हो सकती बिना इन दोनों रस को मिलाए हुए। अशोक जी, हाँ, मैं इस पे ये कहना चाह रहा था कि हमारे सारे शास्त्रीय नृत्य ऊपर कर दीजिए, हमारे जितने शास्त्रीय नृत्य हैं वो सभी भक्ति और श्रृंगार के बीच बहुत ही नाजुक ढंग से संतुलित हैं। अगर ज़्यादा भक्ति हो जाए तो अध्यात्म हो जाएगा और उसका फिर नृत्य से संबंध नहीं, शिथिल हो जाएगा। और अगर ज़्यादा श्रृंगार हो जाए तो हो सकता है कि वो भदेस या अश्लील हो जाए। तो शास्त्रीयता इसी बात में निहित है कि वो भक्ति और श्रृंगार के बीच एक संतुलन बनाए रखे, और ये संतुलन हमारे सभी शास्त्रीय नृत्यों ने बनाए रखा है। एक बात। दूसरी बात ये कि मुझे लगता है कि हमारे यहाँ ये जो भेदभाव हुआ बाद में कि भक्ति अलग और श्रृंगार अलग, एक ज़माना था जब संभवतः रुक्मणी देवी अरुंडेल का आपने जिक्र किया, वो ज़माना था जब देवदासी नृत्य जो थे उनको कानूनन बंद किया गया था, उन पर पाबंदी लगाई गई, जबकि उत्तर भारत में तवायफों ने और दक्षिण भारत में देवदासियों ने बहुत सारी शास्त्रीय परंपराओं को जो संगीत में भी थी और नृत्य में थी उनको जीवित रखा था। लेकिन जब ये आरोप लगना शुरू हुआ एक विक्टोरियन जहनियत के चलते कि ये अश्लील हैं या कि इनमें श्रृंगार प्रधान है, तो अब ये औचित्य निरूपण करना हमने शुरू किया कि नहीं नहीं हम तो बहुत भक्ति प्रधान हैं। तो इसलिए रुक्मणी देवी अरुंडेल ने, और ये कहा जाता है कि रुक्मणी अरुंडेल अल्टीमेटली लैंडेड अप बाय सैनिटाइजिंग द भरतनाट्यम एंड दैट द एलिमेंट ऑफ इरोटिसिज्म was removed, which Bala Saraswati on the other hand, coming from a Devdasi tradition, wanted to insist on. तो ये एक विशेष राजनैतिक सामाजिक परिस्थिति के कारण ऐसा हुआ। तो इसलिए ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि हम जिन नृत्य प्रकारों को देख रहे हैं उन नृत्य प्रकारों में भारतीय परंपरा के ही अनुरूप भक्ति और श्रृंगार का जो भेद है, सेक्रेड और प्रोफेन का, स्पिरिचुअल और सेंसुअस का जो द्वैत है, वो हमने कभी माना नहीं। हमारी परंपरा ने नहीं माना, हमारे साहित्य ने नहीं माना, हमारे काव्य ने नहीं माना, हमारे संगीत ने नहीं माना, हमारे नृत्य ने नहीं माना। अशोक जी, जयपुर का जो घराना है जिसे जयपुर अतरौली घराना भी कहते हैं, तो इसमें एक बहुत बड़ी परंपरा है उस्ताद अल्लादिया खान साहब की, जिनके तीन प्रमुख शिष्य मोगूबाई कुर्डिकर, केसरबाई केरकर और रोशन आरा बेगम जो बाद में पाकिस्तान चली गई, ये तीन ऐसे डोयन हैं। और अलग से एक नाम उभरता है मल्लिकार्जुन मंसूर का। ये चार लोग जयपुर का जो एक टॉर्च बेरर हैं, खास करके जब भी हम, जैसे एक प्रतीक होता है कि जयपुर घराना सीधे अल्लादिया खान साहब और केसरबाई केरकर या पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर, तो ये जो दो ध्रुव हैं, एक तरफ उनके केसरबाई जी जिनके लिए तमाम सारे किस्से मशहूर हैं और जिनकी गायकी के लिए कहा जाता था कि वो किसी को अपना गाना रिकॉर्ड करने नहीं देती थी, जिन पागल लोगों ने छुप कर चोरी से उनके गाने रिकॉर्ड कर लिए, आज वही उपलब्ध हैं। और ऐसा बिहागड़ा और ऐसा कोमल ऋषभ आसावरी किसी ने नहीं गाया। ठीक उसी तरीके से बिहागड़ा और कोमल ऋषभ आसावरी के अर्थ में जब हम पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर की तरफ जाते हैं, तो ये इन दोनों के गले में कैसे जयपुर घराना, कैसे जयपुर अतरौली अलग अलग गमन करता है? देखिए, हमारे यहाँ जो घराने बने उनके बारे में दो बातें याद रखना ज़रूरी है। एक तो घराने की अपनी मर्यादा तो थी, अपनी एक नियम संहिता थी, आवाज़ लगाने का तरीका था और क्या गाएंगे और क्या नहीं गाएंगे इसका भी एक कुल मिला के एक मोटा मोटा नक्शा था। पर इन घरानों में व्यक्तिगत प्रतिभा की छाया के लिए गुंजाइश थी, इसलिए केसरबाई केरकर के गाने में और मल्लिकार्जुन मंसूर के गाने में बहुत फ़र्क है। लेकिन मोगूबाई में किशोरी जी में फर्क है, माँ-बेटी में फर्क है, तो इन सब में फर्क है और ये सब उसी घराने के, सब उसी घराने। तो इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यक्तिगत प्रतिभा है, किसी व्यक्ति की घराने से मिली हुई दृष्टि एक है, उसकी अपनी संगीत दृष्टि दूसरी है, और इन दोनों को मिलाकर उसका व्यक्तित्व बनता है, उसका गाना बनता है, उसका संगीत बनता है। तो हमारे यहाँ ये हुआ। और दूसरा ये भी था, इनमें से कोई भी घराना पूरी तरह से शुद्ध घराना नहीं है। ये तो ठीक, यानी ये नहीं है कि अगर इस घराने में, ये जयपुर अतरौली घराना है तो इसमें ग्वालियर नहीं बोलेगा, या इसमें अगर कोई चाहे तो आगरा की कुछ, और ऐसे गायक अब तो खैर ऐसे शायद नहीं होते, लेकिन हमने जिन बुजुर्गों को सुना है वो गाते हुए ये बता देते थे कि यहाँ थोड़ा सा ग्वालियर। मैंने मल्लिकार्जुन मंसूर को ये गाते हुए, गाते गाते बीच में रुक के कहते थे यहाँ थोड़ा सा ग्वालियर। तो अब ग्वालियर तो जयपुर से अलग था, लेकिन इन घरानों में एक आपसदारी भी थी, एक तरह का संवाद भी था, और बहुत सारे लोग दूसरे घरानों से सीखते भी थे। एक्चुअली जो रसिया मारा जो बंदिश है, हाँ। जी जी। रसिया मारा अमला आरा राता जो बंदिश है रसिया मारा, पंडित जसराज जी भी गा रहे हैं, किशोरी ताई भी गा रही हैं, और अपने मल्लिकार्जुन मंसूर जी ने भी गाया इसको। और जो अपनी, और देख लीजिए कि किराना घराने पे चली जाइए तो जो बंदिश है मारवा की है, मोरे पिया आनंद देश गईलवा, वो बंदिश को मल्लिकार्जुन मंसूर जयपुर घराने वालों ने भी गाया। जो आपकी बात से सहमत है कि जो कलाकार होते हैं, उदारमन होते हैं, वो खूबसूरतियों को लेते हैं, उसमें वो बाउंडेशन नहीं होती और हमारे घरानों में इतनी गुंजाइश है। और दूसरे एक बात मैं यहाँ ज़रूर कहूँगी कि हमारा जो राजस्थान है उसमें जो चतुष्वाणियाँ जो अकबर काल में थीं, डागुरी वाणी, गोबरहार वाणी, खंडार वाणी और नौहार वाणी, ये चारों जो वाणियाँ थी वो राजस्थान से निकली। अब देखिए नौहा भादरा जो हमारा एरिया है वहाँ से नौहार वाणी निकली है। उस गायकी की खासियत है कि सिंह के समान, नौहा का मतलब सिंह, तेरा इस तरह की जो उछाल देते हैं ना, इस तरह की जो गायकी में आता है, ये सिंह की गति जो होती है वो नौहार वाणी हमारी जो राजस्थान की है उसमें बहुत सारे घराने वाले इस चीज़ को यूज़ करते हैं। तेरा ना रे रा, एक दो जो उछाल के जो आवाज़ को लगाने का ढंग है, ये नौहार जो वाणी हमारी राजस्थान की है वो सारे घराने वाले यूज़ करते हैं। और ऐसी जो डागर वाणी है हमारे यहाँ, जो यहाँ की जो अलवर और डांग प्रदेश जो है अपना दिल्ली के बीच का जो एरिया है वहाँ की वाणी है डागुर वाणी। और जयपुर घराने के जो अल्लादिया खान साहब थे वो डागुर वाणी का प्रतिनिधित्व करते थे। ये कहना कि सिर्फ ध्रुपद में वाणियाँ हैं ऐसा नहीं है, बल्कि ख्याल वाले भी लोग वाणी का यूज़ करते। जो अकबर काल में जो चतुष वाणियाँ निकली हैं वो ख्याल वाले भी ध्रुपद वाली वाणियाँ ही यूज़ करते हैं। वे ऑफ प्रेजेंटेशन शैली का अलग हो सकता है किंतु वाणी हमारे यहाँ एक है। और गोबरहार वाणी यानी शुद्ध आवाज़ लगाना जो सभी घरानों में भी मिलेगी आपको। और एक और वाणी होती है शुद्धा, हमारे यहाँ नौहार वाणी, खंडार वाणी, खंड खंड करके गाना त र न न न, ये जो आवाज़ को जो खंडित करके जो गाने की वाणी है, ये बताइए कि चारों वाणियाँ जो होती हैं वो ख्याल वाले भी यूज़ करते हैं और ध्रुपद वाले भी यूज़ करते हैं। तो घराने वाणियों के स्तर पे आकर के एक हो जाते हैं। वाणियों के स्तर पे घराने सब एक हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा कोई घराना दावा नहीं कर सकता कि हम इस चीज़ को यूज़ नहीं कर रहे। सारे घराने वाले लोग सामंजस्य करके करते हैं। फिर ठीक है कि इसी चीज़ को वो स्पेशलाइजेशन उसका पेश करते हैं, उससे वो घराने बनते हैं। मुझे लगता है जयपुर घराने में एक खास तौर से एक ईमानदारी जैसी बात है। जैसा अभी अशोक जी ने कहा कि ग्वालियर सुनिए या किराना सुनिए या ये सुनिए, आपका मैंने ठीक कर दिया था तो ठीक है। हाँ, हाथ वाली माइक अगर दे सकें, क्योंकि वो एक अजब तरह की ईमानदारी है। और नृत्य के पक्ष में अगर मैं कहूँ तो जैसे हम लोग जब नृत्य करते हैं तो बोलों के लिए गुरुओं के नाम लेते हैं। जयलाल जी का बोल सुनिए, नारायण प्रसाद जी का बोल सुनिए, या गुरु हमारे कुंदन लाल जी गंगानी का बोल सुनिए, या इस तरह से हम जो भी बोल नाचते हैं उसके पहले हम उनका गुरु के नाम लेके उसके बाद उनकी बंदिश को करते हैं। तो इसलिए उसमें वो परहेज़ नहीं है कि हमें इनसे नहीं लेना है या इनसे नहीं लेना है, पर उनके नाम को कहते हुए और उसके बाद में फिर उसे प्रदर्शित करते हैं। ये एक तरह का, और इससे कई तरह के रंग दिखाई दे जाते हैं। क्योंकि जैसे अभी बात की अशोक जी ने कि वो आपका एक व्यक्तिगत हस्ताक्षर बनना बहुत ज़रूरी है, वरना पहचान नहीं बनती। और वो व्यक्तिगत हस्ताक्षर तभी बन पाता है क्योंकि, और इसीलिए जब आप गुरु की छाप से थोड़ा अलग निकलना पड़ता है। गुरु की छाप तो आती ही है, पर उसके बाद आपकी अपनी क्या लकीर निकल आई या कोई लाइन ऐसी निकल आई, तभी आपकी पहचान बनती है। वरना तो फिर वो हमें नहीं, हमारे गुरु को ही देखेंगे, हमें देखने की क्या ज़रूरत है। देखिए परंपराओं का जो महत्व है, परंपराएं जड़ नहीं है, नहीं तो रूढ़ियाँ बन जाती हैं। परंपराओं में बहाव होता है ऑफ कोर्स। इसलिए यदि हम रूढ़िवादी होते तो आज तक हरिदास जी की रचना ही गा रहे होते, फिर तानसेन जी नहीं होते, बैजू बावरा नहीं होते। ये सब अपने आप में घराना रहे। बिल्कुल ठीक है। आप ये बताएं कि जयपुर घराने का जैसे मामला है कथक का और ख्याल का, ध्रुपद का जो मामला है, जो आपने सुंदर आप इतने सुंदर ढंग से आपने व्यक्त किया, ध्रुपद की जो बड़ी परंपरा बनी राजस्थान में, उसका जो पोषण हुआ, जो राजाश्रय मिला या जिस तरह से डागुर वाणी आगे गई, उसमें उदयपुर राजघराना बहुत आगे था, जयपुर थोड़ा पीछे था। क्योंकि वहाँ पर जयपुर से उदयपुर पहुँचा हुआ है वो, तो जयपुर वाले कैसे क्लेम करते हैं, या जयपुर में उदयपुर समाहित है या उदयपुर में जयपुर है, इसको आप स्पष्ट करें थोड़ा। देखिए हमारे यहाँ 36 कारखाने रहे, सवाई राम सिंह जी के जो द्वितीय रहे राजा, उस समय 36 कारखानों में गुणीजन खाना हमारा था, वो विश्व प्रसिद्ध था। और जितने भी देश भर के जितने भी घराने के गायक थे उनमें एक अट्रैक्शन था कि गुणीजन खाना जयपुर में जाकर जब तक हमारी कला का लोहा नहीं होता है, जब तक हमारे उस कलाकार की जो एस्टेबिलिटी नहीं हो पाती थी उसको स्थापित नहीं माना जाता, यहाँ जाकर के अपनी रोहा मनवाता था। तो ये जो गुणीजन खाना था या राम सिंह जी के आमंत्रण पर उस्ताद बहराम खां साहब जो सहारनपुर जो से आए थे, अम्बेठा वहाँ पर एक जगह है, वहाँ से जब ये बहादुर शाह जफ़र जो गिरफ्तार हुए तो उस समय जो बहराम खां साहब को सवाई राम सिंह जी ने अपने निमंत्रण पे बुलाया था, वो क्योंकि गुणग्राही थे और वो ऐसे ऐसे जैसे अकबर के दरबार में जैसे नवरत्न हुआ करते थे वैसे खोजते थे कि ऐसे ऐसे रत्न हमको मिलें। तो बहराम खां साहब को उन्होंने अपने आमंत्रण पे जयपुर बुलाया था और फिर यहाँ से बहराम खां साहब ने जो आलापचारी की एक जो परंपरा शुरू की है, वाणियाँ तो सभी रहीं किंतु उन्होंने जो आलापचारी है डागुर की, उसमें आलापचारी में उन्होंने जो 16 अलंकरण डगर लहग धुरन मुरन लाग डाट इस तरह के 16 अलंकरण होते हैं, यानी वे ऑफ प्रेजेंटेशन, वाणी को किस तरह से यूज़ करना है उसके उन्होंने डिटेल आलापचारी को बहुत विस्तार देते हुए राग का खुलासा करके उन्होंने आलापचारी के आधार पर अपना घराना बनाया यहाँ पर जयपुर में। फिर उनके वंशजों ने दरबारी परंपरा जो ध्रुपद यहाँ पर भी दो परंपराओं में रहा है, जैसे हमने कहा कि गोविंद देव जी जो यहाँ के महाराजा थे वो पहले वल्लभाचार्य में भी संप्रदाय में दीक्षित थे, बाद में वो नाथ संप्रदाय में चले गए थे महाराजा। तो जो वल्लभाचार्य जी की परंपरा है जो जिसे हम पुष्टि मार्ग कहते हैं, हवेली संगीत के नाम से आजकल इसको जाना जा रहा है, उसका बहुत बड़ा जो एरिया है वो नाथा द्वारा है, वहाँ पर इसका जो सीहोर जो जगह है वहाँ पर इस वल्लभाचार्य जी ने इस संप्रदाय की स्थापना की थी, किंतु उसकी परंपरा के कलाकार जयपुर में भी उस परंपरा के, तो एक दरबारी परंपरा भी है और एक मंदिर परंपरा। गोविंद देव जी की भी यहाँ पूजन, यहाँ पर ध्रुपद वाले जो होते हैं वो गोविंद देव जी की भी आराधना बहुत सारी यहाँ के जो है इस संप्रदाय के लोगों ने की है, किंतु दरबारी परंपरा जो है ध्रुपद की वो यहाँ बहराम खां साहब के उसके वंशजों ने, उनके जो भाई थे सद्दू खां जी ने, आप कह रहे हैं उदयपुर, वो उदयपुर चले गए थे और अकबर खां उनके जो दो बेटे थे और फिर उनके जो भाई हैदर खां थे उनके भी बेटे अल्लाह बंदे खां और अल्लाह कुछ थोड़ा नाम सा हो रहा है, उसके आगे अल्लाह बंदे और जाकिरुद्दीन खां जो इन दोनों की जुगल जो जोड़ी थी वो ध्रुपद की बहुत पॉपुलर हुई। फिर आगे जाके जो बड़े डागर बंधु जिन उस्ताद अमीनुद्दीन खां डागर साहब, उस्ताद नसीर मोइनुद्दीन खां डागर साहब, वो डागर बंधु के नाम से उन्होंने विश्व में ध्रुपद को पहुँचाया। तो अपने जयपुर में जो उस्ताद बहराम खां साहब की परंपरा है उस यहाँ से जयपुर से उसका जो विकास हुआ, हालांकि वो सहारनपुर से आए थे किंतु उन्होंने सारा जो डेवलपमेंट किया है यहाँ जयपुर में आकर के किया। दूसरा एक यहाँ बीनकारों की भी परंपरा रही है, रजब अली खां साहब की परंपरा, वो जो बीनकार है वो भी ध्रुपद की परंपरा से ही मिलता जुलता है, तो रजब अली खां साहब की भी परंपरा यहाँ रही है। ठीक कह रही है। अशोक जी ये बताइए, जयपुर घराने के लिए कहा जाता है कि बहुत क्लिष्ट और बहुत खूबसूरत जो लयकारी का काम है, जो आलापचारी है और जो ख्याल में खास करके जो जब आप चार बड़े घरानों की बात करते हैं, ग्वालियर, आगरा, किराना और जयपुर अतरौली, और उसमें रामपुर सहसवान भी जोड़ लें तो ये जो 4-5 मुख्य घराने हैं, और अगर उधर से भी हम ले लें भेंडे बाजार वगैरह को भी, अमानत अली खां साहब को, तो जयपुर के लिए सिर्फ ये मान्यता है कि सबसे मीठा गला, सबसे मीठा बाज, सबसे मीठा नृत्य, बावजूद उसके क्लिष्टतम। इस पे कुछ प्रकाश डालिए। देखिए जयपुर घरानों ने ये बहुत पहले सिद्ध किया कि क्लिष्टता और सुंदरता में एक अनिवार्य संबंध है। जटिलता जो है उससे हम लोग बहुत घबराते हैं, हर तरह की जटिलता से घबराए हुए लोग हैं हम। हमको हर चीज आसान चाहिए, आसान चाहिए, आसानी से समझ में आ जाए, आसानी से देखने लगें, आसानी से सब हो जाए। जयपुर ने सौभाग्य से इस जिद पर अपने को कायम रखा कि हम संप्रेषणीय तो होंगे लेकिन जटिलता की कीमत पे नहीं होंगे। यानी त्रिलोचन जी की एक पंक्ति है, कठिन सत्य में बंधी सरलता। तो ये कठिन सत्य है, उसमें बंधी हुई सरलता है। आप कभी, हमने तो मल्लिकार्जुन मंसूर को ही बहुत सुना, वो जिस तरह से गाते थे उसमें कोई ये नहीं लगता था कि इनको कोई प्रयत्न करना पड़ रहा है। वो जवारी ठीक करते थे अगर गड़बड़ हो जाए तानपुरे की, और इसलिए कि लोगों का समय बर्बाद ना हो, वो अगर ठीक हो गई तो वहीं से गाना शुरू कर देते थे। अगर बत्ती चली जाए, एक बार रविंद्र भवन भोपाल में बिजली जैसा कि अक्सर होता है चली गई, तो बिजली चली गई लेकिन मल्लिकार्जुन मंसूर ने गाना जारी रखा और लोगों ने सुनना जारी रखा, इसलिए कि इन लोगों को आवाज़ को फेंकने का ऐसा तरीका आता था कि वो माइक पर निर्भर नहीं था। एक बात, दूसरी बात ये थी कि वो गाते थे राग अजब अजब किस्म के, ललिता गौरी, कबीरी भैरव, ऐसे अजब बीहड़ किस्म के अक्षोभ राग गाते थे, लेकिन उन अश्रुतपूर्व रागों को गाते हुए भी उनका अपनी परंपरा में अटल विश्वास था। एक बार हमने उनसे पूछा, हम एक मल्लिकार्जुन मंसूर प्रसंग किया, हमने उठा के पंडित जी, लोग बहुत कहते हैं कि हमको परंपरा को आगे बढ़ाना चाहिए और परंपरा में सब कुछ नहीं है, अब ज़माना बदल गया है और नई नई चीज़ें हो रही हैं। बोले कोई नया राग आग बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमारी परंपरा में सब कुछ है। तो मैंने कहा कि ऐसे लोग हैं, हमारे ही बहुत प्रिय कुमार गंधर्व थे जो कहते थे कि परंपरा का मतलब ये नहीं है कि आपको आपके पुरखों ने एक बैंक अकाउंट आपके नाम खोल दिया और चेकबुक आपके हाथ आ गई है तो आप लगातार चेक काटते जा रहे हैं, आपने उस बैंक अकाउंट में खुद क्या जमा किया। तो वो एक तरफ ऐसा संगीतकार था जो मानता था कि परंपरा पर्याप्त नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन मंसूर थे जो मानते थे कि परंपरा पर्याप्त है, और ये दोनों के बीच में फंसा रहता था, मतलब मैं इधर से उधर होता रहता था। मुझे कुमार गंधर्व भी बहुत प्रिय थे और मल्लिकार्जुन मंसूर भी बहुत प्रिय थे, और कभी गाने में इतना संयम, गाते गाते जहां उनको लगे कि अब हो गया, जो करना था वो मैंने कर दिया, वहां फौरन बंद कर दिया। तो कई बार लगता था कि ये तो बहुत ही स्वेच्छाचारी अंत है, क्योंकि वो आवर्तन चलता था और वो आवर्तन ऐसे करते करते बस खत्म। तो उनमें एक अद्भुत संयम था। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ जयपुर घराने के बारे में, गायकी के बारे में, इसमें अमूर्तन की अद्भुत संभावना थी। मल्लिकार्जुन मंसूर इत्यादि की बंदिशें आपको शब्द समझ में ही ना आएंगे, आलापचारी में तो ठीक है शब्द होते ही नहीं है, लेकिन बाकी सब में तो होते हैं, वो कोई शब्द आपको समझ में ना आएगा कि क्या गा रहे हैं, लेकिन उनके गाने में ये जो शब्द के रहते हुए अमूर्तन होता था, आवाज के अमूर्तन के लिए संभवतः ध्रुपद की आलापचारी का दुनिया में कोई सानी नहीं है कि आप 45 मिनट तक आलाप करें, ईंट दर ईंट इमारत खड़ी करें और एक शब्द का इस्तेमाल न करें, एक बिंब का इस्तेमाल न करें। 45 मिनट करीब का आलाप लागुर लोग करते थे, तो ये एक अद्भुत अमूर्तन है। लेकिन उससे अलग गाने में बंदिश का इस्तेमाल करते हुए उसमें अमूर्तन, सारी जटिलताओं के बावजूद कहाँ से क्या तान लगा दें और क्या कर लें। तो मेरा ख्याल ये है, और ये कथक जो है जयपुर का, उसकी भी ये बड़ी विशेषता है कि उसमें, उसको कहा जाता है कई बार रकाबत या मुकाबले के भाव से, कि लखनऊ में तो अभिनय प्रधानता है और जयपुर में व्याकरण प्रधानता है, लेकिन असल में जो प्रधानता है वो है जयपुर की अमूर्तन की क्षमता। और अमूर्तन मनुष्य का सबसे परिभाषक तत्व है। भाषा अमूर्तन है, गणित अमूर्तन है और संगीत अमूर्तन है। इसलिए इस अमूर्तन को जितना ऊपर उभारा है जयपुर के कथक ने, उतना और घरानों के कथक ने नहीं उभारा है। और आप देखें कि अपने आप में वो एक अद्भुत संसार रचते हैं सिर्फ बोलों से, जिनका कोई अर्थ नहीं है। बल्कि ये भी एक बात है कि जयपुर में जैसा क्लिष्टता की बात हो रही थी, क्लिष्ट नाचने की जो परंपरा है वो जयपुर में इतनी ज़्यादा है। पुराने सारे नर्तक जो थे वो हम लोग 16 मात्रा में नाचते हैं, तीन ताल काफ़ी लोग यहाँ जानते होंगे, 16 मात्रा होता है। कहते हैं पुराने गुरु सारे हमारे बुजुर्ग गुरुजन के 64 मात्रा नाचते थे। अब 64 का मतलब हो गया कि 1, 2, अब ऐसे आपको 64 गिनना है। तो मुझे ये एक तरह का चैलेंज लगा कि 64 मात्रा में कैसे नाचते होंगे, क्योंकि इतना लंबा आवर्तन बन जाता है, आपके पास एक इतना बड़ा स्केल खड़ा हो जाता है जिस पे आपको इमारत बनानी है। तो वो मैंने एक बार कोशिश की और दिल्ली में ही एक प्रोग्राम में 64 मात्रा नाचा। तो एक बड़े विद्वान हुए डॉक्टर एस के सक्सेना जी, हम उनको बाबूजी कहते थे। तो बाबूजी से मैंने कहा कि मैंने बाबूजी 64 मात्रा नाचा। तो कहते हैं बेटा बड़ी मेहनत का काम कर लिया, जोखिम का काम कर लिया, एक मात्रा गई तो 63 रुकना पड़ेगा। तो वो 63 इतना लंबा काल है कि उस तक आपको रुक के बैठना पड़ेगा, उसके बाद आप कुछ उपज में जा सकते हैं। तो दूसरे दिन एक तबला वादक मेरे क्लास में आए और कहते हैं कि प्रेरणा जी, सुना है कि कल किसी ने कमानी में 64 मात्रा नाचा। अब ये एक बड़ा ऐसा एक भयभीत करने वाला ख्याल हो गया कि 64 कैसे नाच सकते हैं। मैंने कहा जी मैंने ही नाचा था 64। तो उन्होंने कहा आपने 64 नाचा। तो जो परंपरा हमारे पास थी वो क्लिष्टतम थी, जिसे हमने फिर भी थोड़ा सा अभी सरल करने की कोशिश की है, पर उसके बावजूद जयपुर घराने में जो बोलों की बनावट है वो बहुत ही क्लिष्ट है और उसमें लय के इतने दर्जे जाते हैं कि वो स्वतः आ जाते हैं। अगर मैं चेन्नई में परफॉर्मेंस करने जाती हूँ तो वहाँ लोग गिनने बैठते हैं ये जतियाँ कौन कौन सी जति बन गई। जति होता है कि अलग अलग मात्राओं से अलग अलग लय बन जाती है, 3 है, 5 है, 7 है, ऐसा। तो वो जाति देखने लगते हैं और हम लोग उनको बहुत आराम से स्वतः बन जाती है। तो इस तरह की जो क्लिष्टता है ये जयपुर घराने की खासियत भी है। और जो अमूर्तन की बात हो रही है, वो अमूर्तन इस तरह है कि जो कथक की भाषा जयपुर घराने के पास है उसमें बोलों के अतिरिक्त उसका अपना काव्य शास्त्र भी है, उसमें कवित्व नाचने की एक परंपरा है। और इतने सारे हमारे पौराणिक चरित्र हैं जिनके ऊपर हमें उनके किसी न किसी जीवन चरित्र के, उनके किसी जीवन की घटना से या किसी एक छवि को लेकर ही कवित्व रचे गए हैं। और उन कवित्व को नाचने के, और वो भी व्याकरण का हिस्सा है कि जिसमें अभिनय भी शामिल है। तो ये एक जयपुर में एक तरह की पूर्णता है कि जिसमें आपको नृत्य में भी अभिनय मिल जाता है, जो दूसरे घरानों में नहीं है इतना। अच्छा, ये मैं कहना चाहता था कि हमने जयपुर घराने की बहुत प्रशंसा कर ली, अब थोड़ी निंदा का अवसर भी आना पड़ेगा ताकि संतुलन बना रहे। असंतुलित अब हालत ये है कि जयपुर से जयपुर गायब है लगभग, और इसके लिए आप दोष दिल्ली या अजमेर को तो नहीं दे सकते। ये तो जयपुर की ही जिम्मेदारी है कि अपने घरानों को सहेज के रखे। और ये हालत सिर्फ जयपुर की ही नहीं है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का इस समय एक अद्भुत विडंबना है कि जहां ये घरानों ने जन्म लिया और जिनके नाम पर, जिन शहरों के नाम पर ये घराने हैं, वहां से ये लगभग गायब हैं। जयपुर में जयपुर नहीं है, आगरा में आगरा नहीं है, बनारस में बनारस नहीं बच रहा है, लखनऊ में लखनऊ नहीं है, दरभंगा में दरभंगा गायब हो चुका, किराना में किराना नहीं है। और इन सब घरानों की गायकी और संगीत फिर भी चल रहा है, वो अन्यत्र चल रहा है। ये सबसे महत्वपूर्ण। और यही कथक में भी हालत है। कथक के जो जयपुर घराने के सबसे बड़े कलाकार हैं, जो सबसे जाने माने कलाकार हैं, वो जयपुर में नहीं है, वो अन्यत्र हैं, दिल्ली में हैं। उनका जन्म संयोगवश यहाँ हो गया होगा, उनके माता पिता। तो एक इस पर विचार करने की जरूरत है कि ये क्या हो रहा है कि जिन शहरों में एक घराने ने जन्म लिया, जिसके नाम पर वो घराना जाना जाता है, वो शहर और वहाँ के लोगों को इसकी कोई परवाह नहीं। अब थोड़ा बहुत होते होंगे, 2-4 संस्थाएं होंगी इधर उधर, यहाँ भी कहते हैं कोई जयपुर कथक केंद्र वगैरह है, खुदा जाने किस हालत में है। जिस हालत में होगा वो खराब ही होगी, क्योंकि उससे उपजा हुआ कोई बड़ा कलाकार पैदा नहीं हुआ, जहाँ तक मैं जानता हूँ। हो सकता है मेरी जी जी एक बात कहना चाह रही हूँ कि जो ये जयपुर घराने के संदर्भ में मेरी बात है, अल्लादिया खान साहब के बारे में बात है कि देखिए रोजी रोटी सबसे बड़ा प्रश्न है और जो जयपुर अल्लादिया खान साहब जीवन के अंतिम जो क्षण थे जब उनका संरक्षण या गुणीजन खाने टूट चुके थे, मतलब टूटने के कगार पे थे, तब वो यहाँ से पूछ कर गए थे जयपुर घराने से और वो फिर बड़ौदा के बड़ौदा में भी रहे सियाजी राव के यहाँ, उसके बाद फिर वो वहाँ पर भी रहे, अपने मुंबई भी चले गए थे 1904 के करीब वहाँ चले गए थे, फिर वो वहाँ भी चले गए थे, कोल्हापुर में भी चले गए थे, वहाँ उन्होंने अपनी जो परंपरा है वो सब वहाँ समृद्ध की, वहाँ उनके यहाँ कोई शिष्य वर्ग नहीं रहा। ये सबसे बड़ी विडंबना है कि उन्होंने अपनी परंपरा यहाँ संरक्षित नहीं की बल्कि उन्होंने उसका डेवलपमेंट पूरा बम्बई में किया, इसलिए यहाँ शिष्य कहाँ मिलेंगे आपको। खूबसूरत बात ये है कि ये सही है जो अशोक जी कह रहे हैं कि जयपुर में जयपुर घराना नहीं है, अगर पर आज इस घराने के कलाकार जहाँ पर भी हैं तो वो जयपुर जिंदा है उस नाम से, उस तरह से। अब वो चाहे रागदारी में है या वो कथक में है, मतलब वो जैसे ये तो एक, हालांकि मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करती हूँ कि यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे कुछ इतना श्रेष्ठ कार्य भी होना चाहिए और शायद होता भी होगा जो हमें शायद नहीं मालूम है, पर अगर हो रहा है और नहीं भी हुआ है तो, पर कम से कम एक अच्छी बात इसमें यह है कि आज जयपुर घराने के जितने कलाकार कहीं पे भी फैले हुए हैं वो जयपुर घराने को समृद्ध करते हुए ही आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और इसका एक दूसरा पक्ष ऐसा भी है कि ये कहाँ ज़रूरी है कि जयपुर घराना हो तो जयपुर ही होना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि जयपुर ही नहीं होना चाहिए पर जयपुर में भी तो होना चाहिए। पर ये क्या ससरा घराना हुआ जो जयपुर में जन्मा और आगे और सब जगह फल फूल रहा है, बहुत निराशाजनक स्थिति नहीं है जयपुर में। एक उदाहरण खाली देना चाहती हूँ, एक उदाहरण ये है कि मैं एक बार, मुझे ICCR में इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, वहाँ पे बात होने लगी मेरी, तो मुझसे एक व्यक्ति ने कहा कि पर प्रेरणा जी यू आर फ्रॉम जयपुर घराना, मैंने कहा तो यू आर इन जयपुर, आई सेड नो आई एम वेरी मच इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहती हूँ पर मैं जयपुर घराना नाचती हूँ। तो उनका ये कॉन्सेप्ट था कि अगर आप जयपुर घराना करती हैं तो आपको जयपुर में रहना चाहिए, तो ये ज़रूरी नहीं है, पर हाँ जयपुर में उसका बहुत ज़्यादा स्थापन उसका होना चाहिए, ये सही बात है। नहीं, एक जैसे एक सबसे बड़ी समस्या ये है, एक प्रतीक के रूप में हम बनारस को चुने जो इस समय सबसे टूटता और चीजता हुआ शहर है, तो बनारस घराने की जो खास करके पूरब अंग की गायकी थी जिसमें ठुमरी, चैती, दादरा और होली, बारामासा गाया जाता था। आप रसूलन बाई से उठा के देख लीजिए, सिद्धेश्वरी देवी, जो सबसे अंतिम महत्वपूर्ण कड़ी है, गिरजा देवी, वो सालों से कलकत्ता रहने लगी और बनारस में, अब बनारस खत्म है, अब वहाँ कुछ नहीं है सिवाय इसके कि आप पंडित छन्नूलाल मिश्र को सुन लें या कोई शिष्य अगर वहाँ बैठा है, या कभी गिरजा देवी लौट के आती हैं बनारस तो वो सिखाती हैं। पूरे विश्व भर में आपको बनारस की चैती सुननी होगी, बनारस की कजरी सुननी होगी, बनारस की ठुमरी और उसका जो एक लालित्य है, लेकिन वो सिखाया जा रहा है दूर कलकत्ते में, वो अब बनारस से नदारद है और ये पिछले 10-12 सालों के अंदर हो गया जो गिरजा देवी ने सारा सब वहाँ से बटोर लिया। और खुद सिद्धेश्वरी देवी की बेटी सविता देवी वो दिल्ली चली गई, तो अब आप देखिए कि ये कैसी विडंबना है कि अब बनारस जो बहुत रस भरा शहर था इस मामले में, अब वहाँ पे शायद ही कोई ऐसा नामी गुड़ी गुरु बचा हो जो बनारस को वहाँ पे अक्षुण्ण रखे। देखिए सर, एक और बात है कि सरकारी संरक्षण भी नहीं है यहाँ पर, यहाँ की गवर्नमेंट सांस्कृतिक दृष्टि की बात है, हाँ, और यहाँ इस तरह का संरक्षण कलाकारों को काफ़ी सालों पहले से ही ख़त्म हो गया। और जो उच्च महकमे के लोग हैं वो लोग ध्रुपद को या ध्रुपद वाले जो लोग हैं, शायद मंत्रियों से पूछा जाए कि लक्ष्मण भट्ट कौन है तो वो नहीं जानते होंगे। तो ये सबसे बड़ी विडंबना है कि ध्रुपद को कैसे जिंदा रखा जाए, कलाकार अपने बलबूते पे तो जिंदा रख ही रहा है पर कब तक, ये सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम ये है। तो घरानों के नाम इसीलिए पड़े थे कि उन्हें प्रश्रय मिला था, जब दरबार में प्रश्रय मिला जहाँ से, तो उन्होंने कृतज्ञता वश ये नाम रखे कि हमें जयपुर से मिला, हमें लखनऊ से, बनारस से। अब अगर वो गायब हो गया है तो फिर तब ये एक अलग मुद्दा बन जाता है कि आपकी सांस्कृतिक नीति। आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा, जयपुर घराने के एक गुरु हुए गौरी शंकर जी महाराज और कथक के नृत्य गुरु थे, और उनका सबसे मतलब वो पहले ऐसे गुरु थे जो मैडम मेनका के साथ चाइना गए और उनका सम्मान हुआ वहाँ। और ये जो जयपुर और लखनऊ घराने के नृत्य की बात है, तो एक कमाल अमरोही की फिल्म थी पाकीज़ा, उसके सारे नृत्य का निर्देशन गौरी शंकर जी ने किया। सिर्फ एक नृत्य ठाढ़े रहिए ओ बांके यार का लच्छू महाराज ने किया। अब एक ही फिल्म में आपको लखनऊ घराना और जयपुर घराना भी मिल जाएगा। मतलब उनके चार मुजरों में जो ठाड़े रहियों को छोड़ करके हैं वो उसमें चलते चलते और इन्हीं लोगों ने ले लीना, वो सब गौरी शंकर जी हैं। और उस एक नृत्य में जो उसमें लच्छू महाराज जी का लालित्य आता है। ये आपकी जानकारी के लिए था। मैं चूँकि समय की समाप्ति की सूचना की गई है, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आपने बहुत सुंदर ध्रुपद से आरंभ किया। आप एक अपने घराने का एक क्लिष्ट और उतना ही रस से भरा हुआ परन पढ़ दें तो हमें लगता है कि वो नृत्य का भी पूरा हो जाएगा मामला। एक बोल पढ़ती हूँ, जिसे जैसे अमूर्तन की बात हो रही है, झूलना परन कहते हैं। अब झूला नहीं है कहीं, केवल बोलों का आरोह अवरोहन है। धा तिट धा धा तिट किड़ धा तिट धिता कदा धी किट धा दिनता किड़ धा दिनता तग धा दिनता तकिट धिकिट धागी दिगी नग तिट कता तकिट तिकिट दग दिग नग तिट धा तकिट तकिट तग तक दिगिट धा निधा तकिट तिकिट दग दिग नग तिट धा तकिट तकिट तग तक दिगिट धा निधा तकिट तिकिट दग दिग नग तिट धा तकिट तकिट तग तक दिगिट धा निधा कत धा कत धा कत धा कत धा कत धा कत धा गिंत धा धा तधा। ये आप तीनों लोगों को बहुत धन्यवाद। ये जयपुर घराना था जिसपे हम बात कर रहे थे। और आप जब यहाँ से निकलें तो ये ज़रूर कोशिश करें कि पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर, किशोरी अमोनकर, मोगूबाई कुर्डिकर, इन सब के सीडीज खरीदें, उनको सुने, रेडियो टीवी पर कहीं सुने। मल्लिकार्जुन मंसूर पे करता सुनाऊं जी। और वो और उसको सबसे अंत में कर देंगे क्वेश्चन। तो अब आपसे प्रश्नों का स्वागत है जी। पहले आपने हाथ उठाया था, हाँ बताइए जी। कि जयपुर घराने का कथक जो अभी जैसी बात हुई कि यहाँ कुछ नहीं है, तो मेरा निवेदन है कि आप ज़रूर यहाँ के कथक फेस्टिवल जो यहाँ के बच्चे और यहाँ के स्टूडेंट करते हैं उन्हें एक बार देखने की कृपा ज़रूर करें। तो शायद आप जो अभी बोल के चुके हैं शायद वो बदल जाए। कल से जयपुर कथक, इनका कथक फेस्टिवल चल रहा है, कल भी था और आज भी है। तो कृपया थोड़ा सा समय अगर उसे देंगे तो शायद जो अभी बात की है कि जयपुर में कथक क्या है। मैं पंडित गौरी शंकर गुरु जी की, मैंने कहा रेखा जी शायद बोल रही हैं आप। हाँ जी, तो मैंने बीच में अभी बात रखी थी पर मैं पूरी बोल नहीं पाई। बिल्कुल, मैं समझ गई थी। संभावनाएं बहुत है और बहुत कार्य हो रहा है, बहुत में भी बहुत काम हो रहा है और ख्याल बड़ी लोग यहाँ तैयार कर रहे हैं। उन्होंने अपने बलबूते पर बहुत काम किया है यहाँ पर, इसलिए बहुत निराशाजनक स्थिति नहीं है। यहाँ बहुत आजकल बहुत अच्छा एक वातावरण, कल यहाँ के जो कलाकार हैं उन लोगों ने पूरे डेडिकेशन के साथ और यहाँ रहकर जयपुर में और बहुत समर्पण के साथ जयपुर छोड़ा नहीं है। जयपुर में रहकर उसको अपनी आत्मा में बसा के हम लोगों ने काम किया है जयपुर को बचाने के लिए। तो इसको जी है आपके लिए। नहीं, एक सेकेंड, आप लोग आपस में ना वो करें संवाद, प्रश्न पूछें क्योंकि दूसरा सेशन शुरू होना है जी। हाँ, नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ, शशि जी ने बोला, मैं वो कंप्लीट करना चाहता हूँ। जो लोग कथक देखना चाहते हैं, आज शाम को 6:30 बजे जवाहर कला केंद्र में जयपुर कथक केंद्र की तरफ से प्रोग्राम है, तो वास्तव में देख सकते हैं। ये सूचना हम दे सकते थे बाद में, पहले प्रश्नोत्तर हो रहा है वो कर लीजिए जी। देखिए, ये कोई नहीं कह रहा है कि यहाँ कथक नहीं है या कथक समाप्त हो गया। ये नहीं कोई कह रहा है कथक तो मैं हम सिर्फ ये कह रहे, हम तो बाहर के लोग हैं, लेकिन हमने आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए सरका है। कोई बात ऐसी बाकी हमने कभी कभी जयपुर कथक केंद्र इत्यादि की प्रस्तुतियाँ देखी हैं और वो मुझे असंतोषप्रद लगी। हो सकता है मेरी समझ की सीमा हो, इसलिए ये अलग बात है। एक बात, दूसरी बात ये है कि अगर इतनी बड़ी परंपरा आपके पास है तो उसको सहेजने के लिए नागरिकों का जो कर्तव्य है वो भी तो करिए, वो भी तो निभाइए। युवाओं का जो कर्तव्य है वो भी तो निभाइए। चलिए, सरकार कुछ नहीं करती, ना करे, लेकिन और लोग तो कर सकते हैं। इतने बड़े बड़े औद्योगिक घराने और जाने कौन कौन, बहुत लोग राजस्थान के बड़े धनी लोग हैं, खुदा जाने कहाँ कहाँ क्या क्या करते रहते हैं, खराब कविता को समर्थन देते रहते हैं, अच्छे कथक को समर्थन क्यों नहीं दे रहे? मेरा आप लोगों से निवेदन है कि हमें सवाल करें ना कि अपने विचारों से वो करें। वो आप, हम उतरेंगे तो आप बात कर सकते हैं। मैं सभी से पूछना चाहूँगा आप लोगों से कि कैसे हम इस घराने को या नृत्य को, संगीत को युवाओं में कैसे हम स्प्रेड करें, युवाओं को कैसे उससे बांधें और कैसे करें। ठीक बात। देखिए, इस क्षेत्र में कोई आत्मश्लाघा नहीं कर रही, पर हम लोग हर साल निःशुल्क वर्कशॉप करते हैं युवाओं के लिए। यहाँ के जो लोग यहाँ के इतिहास से जुड़े हैं, जो लोग संगीत से जुड़े हैं, शायद जानते होंगे युवाओं में ऐसी ऐसी चीज़ों को, सरल और आकर्षक चीज़ों को, जैसे कि ध्रुपद की कोई बंदिश है, उसमें स्वर भी वही, शब्द भी वो, इस तरह के कुछ एक्सपेरिमेंटल जो बच्चों को लुभाएं, ऐसी चीज़ों को हम लोगों ने क्रिएट करके और वर्कशॉप्स ले रहे हैं बच्चों के लिए, जिससे कि बहुत सारे अब तो हमारे पास युवा लोग हैं वो ध्रुपद के साइड आए हैं। ये हमारी प्रोग्रेस। ये सवाल कर रहे हैं कि हम कैसे उस तरफ हमारा आकर्षण कैसे हो, कैसे बढ़ पाएँ उस तरफ। तो मुझे लगता है उसके लिए आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा। और आजकल इस तरह की जैसे स्पिकमैक के जैसी संस्थाएं हैं जो स्कूल कॉलेजेस में आके और प्रोग्राम्स करते हैं और बच्चों से सीधा बातचीत करते हैं, तो वो आपके पास एक जगह बनती है जहाँ पे आप उनसे सीधा कलाकार से भी बात कर सकते हैं और कला को भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो युवा आज का है उसको एक धैर्य रखकर इन शास्त्रीय कलाओं को देखना पड़ेगा। जब तक आप देखेंगे और सुनेंगे नहीं तब तक आप उसके आगे जाने की कोई बात ही नहीं बनती है। इसे सबसे पहले आपको देखना सीखना पड़ेगा, उसके बाद फिर उसके आगे की सीढ़ी आती है। एक आखिरी प्रश्न जी। बहुत छोटा सा प्रश्न रखना चाहूँगा। आदरणीय मंच को नमन प्रणाम, सभी सभासद और सभा विराजमान सभी अतिथि को नमस्कार। प्रश्न मेरा इस प्रकार कि जयपुर नगरी की नफासत और किसी एक और जिस नफासत शब्द से जुड़ा है अपनी एक अलग ढंग है और इसकी एक अपनी अनुपमता है, अनुपमेय है जयपुर, ऐसा मैं मानता हूँ। मेरा एक प्रश्न जो है वो इस प्रकार है कि वर्तमान प्रासंगिकता में जब मैं कह रहा हूँ जयपुर घराना अनुपमेय है, यानी उसकी उपमा ही नहीं की जा सकती, इतना अद्भुत है, तो क्या आप गुणीजन इस मंच के माध्यम से क्या ऐसा हमें आशीर्वाद देंगे युवाजनों को कि हम लोग जो वर्तमान प्रासंगिक जो गाने चल रहे हैं बहुत फेमस हैं, अश्लील शब्दों से भरे हैं, उनसे मन हट करके आप लोगों का जो पारंपरिक चीज़ है उनसे हमारा मन जुड़े और हम अपने आप को संरक्षित और आगे बढ़ता हुआ महसूस कर पाएंगे? बिकॉज मुझे वो शब्द याद है वाजपेयी जी के, हम लोग ही अपनी चीज़ों को खराब कर रहे हैं, पर अब आप लोग गाइडेंस क्या कर पाएंगे हम लोगों को? मुझे विश्वास है सर। तो हम लोग 45 मिनट से और क्या कर रहे हैं? क्या बात है। मैं अंत में अशोक जी से निवेदन करूंगा, मधु भट्ट तेलंग जी ने बहुत सुंदर अपनी गायकी से एक छटा बिखेरी की और चारों वाणियों का एक रूपाकार दिया। आपने परंत पढ़ा। अशोक वाजपेयी जी पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर पर अगर एक कविता पढ़ दें तो उसी के साथ हम इसकी समाप्ति चाहेंगे, क्योंकि दूसरे सेशंस भी हैं। आप नीचे पूछ लीजिएगा, 5 बचा है तो 5 मिनट वो कविता लगेगी उसमें। अच्छा एक सेकेंड अशोक जी, एक सेकेंड। हाँ अच्छा, वन जी। हाँ जरूर जी, जरूर पूछ लीजिए। हाँ हेलो, कौन है? मैं डॉक्टर ज्योति भारती गोस्वामी, ना पोस्टेड राजस्थान संगीत संस्थान एज ए कथक लेक्चरर। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि हम लोग सब जयपुर घराने की बहुत बात कर रहे हैं, कोई संरक्षण की बात कर रहा है, कोई क्या संरक्षण जैसा भी हो रहा है अभी। और उन गुरुओं को बहुत बहुत नमन है जो संरक्षण कर रहे हैं जयपुर घराने का। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जयपुर घराना बचाएं कैसे? ये यूथ इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मेरे क्लास में 30 बच्चे एडमिशन लेते हैं और आते हैं, जब एग्जाम देते हैं 10 बच्चे आते हैं। कारण ये है कि जॉब ओरिएंटेड नहीं है, कहीं हमें जॉब नहीं मिलता, बच्चे क्यों अपना समय पे करेंगे? और सारी बातें जो है वो ये कि कोई भी आप फील्ड में जाए तो कहीं ना कहीं जॉब मिलता है, तो ये जॉब ओरिएंटेड होना चाहिए, मेरा कहने का मतलब। देखिए मुझे मेरा ऐसा मानना है, मैं पिछले 30 साल से ऊपर से इस कला के क्षेत्र में हूँ, कि शास्त्रीय कलाओं में अगर आप पैर रखते हैं तो उसमें आप ये कभी मत सोच के चलिए कि आपको MBA या इंजीनियरिंग या डॉक्टरी की तरह आपको जॉब एकदम मिल जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है। इन कलाओं में तो आपको रिस्क लेना पड़ता है और आपको अपने आप को डुबोना पड़ता है। पर ज्योति, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है कि होना चाहिए, पहले से बेहतर हुआ है, क्योंकि आज सारे स्कूल्स में आपको किसी ना किसी डांस टीचर की ज़रूरत है। और नहीं, वो एक अलग बात है, वो नीति की बात है, तो वो हम कोशिश कर सकते हैं सब लोग मिलकर। पर बाकी ये सोचकर कि हमें उस तरह के जॉब्स मिल जाएंगे, ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कोई सब्ज बाग नहीं है इसमें। अच्छा चलिए, समय खत्म। मल्लिकार्जुन मंसूर को मान्यता उनके जीवन के बहुत उत्तरकाल में मिली और अपने हिसाब से गाते रहे, अपनी रफ्तार से चलते हुए बहुत बाद में आते हैं मल्लिकार्जुन मंसूर और समय से आगे निकल जाते हैं। उलझनों भरे, घावों खरोंचों से लथपथ, टुच्चे होते जाते समय से आगे। उनके पीछे आता है गिड़गिड़ाता हुआ समय, दरिद्र और अपंग, भीख मांगता, हाथ फैलाए समय, हाँफता हुआ। मल्लिकार्जुन मंसूर अपने भरे पर फिर भी सीधे बुढ़ापे में हल्का सा झुक कर रखते हैं काल के कंधे पर अपना हाथ, ठिठक कर सुलगाते हैं बीड़ी, चल पड़ते हैं फिर किसी अप्रत्याशित पड़ाव की ओर। अपने लिए कुछ नहीं बटोरते उनके संत हाथ, सिर्फ लुटाते चलते हैं सब कुछ, गुनगुनाते चलते हैं पंखुरी पंखुरी सारा संसार। ईश्वर आ रहा होता घूमने इसी रास्ते तो पहचान न पाता कि वो स्वयं है या कि मल्लिकार्जुन मंसूर। बहुत धन्यवाद अशोक जी, और क्या बात है जयपुर घराने पे इतनी सुंदर बात के लिए डॉक्टर मधु भट्ट तेलंग, अशोक जी और प्रेरणा जी को धन्यवाद। किशोरी अमोनकर ने एक बंदिश गाई है राग भूप में, सहेला रे आ मिल गाएं, तो अगर आप उसको सुने और उस पूरी बंदिश के उसमें जाएं तो उसमें जो बात कही गई है वो शायद जयपुर घराने की सबसे खूबसूरत बात इसमें उभर कर आती है। तो ऐसे मिल के गाने का समय है और मिल के एक दूसरे का साथ देने का। धन्यवाद।